भट्टी करने के बाद जो आत्माएं कईयों के संबंध में, संबंध कहा जाता है गहरा अटैचमेंट, इंद्रियों के द्वारा संसर्ग, गहरा संसर्ग होता है तो उसे कहते हैं संबंध। तो जो आत्माएं भट्टी के बाद संबंध में, कोई कोई अनेकों के संबंध में, अनेकों के संसर्ग में, संपर्क में आते हैं, तो वो आत्माएं किस धर्म की विशेष शूटिंग करती हैं? है इस्लाम धर्म वाले अनेकों धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। कौन कन्वर्ट होते हैं? आर्य समाजी हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। और एक वार्तालाप में बोला है सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं को सजा कैसे मिलेगी? ना सूक्ष्म शरीर से सजा नहीं मिलती है, स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। किसी का अचानक मृत्यु हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। ठीक है, तो भी वो किसी शरीर में प्रवेश करके सजाएं खाएंगे। तो उसका उत्तर माँ बताए थे कि शरीर से अलग रहकर जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो वे हमारे स्थूल शरीर में रहकर सजा खाएंगे। हाँ, जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो, जिनको सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है वो कोई न कोई शरीर में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश कराने के बाद जैसे औलिया उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनको सजा देते हैं, वो औलिया उनके लिए एक तरह के धर्मराज हो जाते हैं। ऐसे ही बड़े से बड़ा धर्मराज ब्रह्मा बाबा है, वो सजा देगा। बाबू किस में प्रवेश करेंगी? मतलब एक ही तो है, और किस में प्रवेश करेंगी? कंबाइंड पार्ट किसका है? ब्रह्मा का और राम वाली आत्मा का। हाँ, परिवार में कमल पुष्प खिलाना मतलब उसका विशेषता क्या है? परिवार में कमल पुष्प खिलाना उसको विशेषता क्या है? कमल पुष्प के समान खिलना है, उसका विशेषता क्या होगा? उसकी विशेषता होगी कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि शिव बाबा के साथ रहेगी, जैसे बांदेली माता है। है मुर्दे बन सकते हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिनको थोड़ी सी भी सावधानी में तो मुरली समझाने लगते थे। हाँ, पकड़ लेते हैं, कैचिंग पावर अच्छी है, थोड़ी भी समझानी दो, इशारे से समझाएं बाबा तो भी समझ लेते हैं। हाँ, तो देवता धर्म की आत्मा है जो इशारे से समझते हैं, थोड़े में ही समझ जाते हैं, वो देवता धर्म की आत्मा है। जो बार बार कहने से समझते हैं वो मानवीय धर्म है, और जो बार बार कहने से भी नहीं समझते वो जानवर। लक्ष्मी वाली आत्मा के 63 जन्म पूरा किया क्या? पहले नारायण वाली आत्मा के सब जन्म क्लियर होंगे कि पहले लक्ष्मी के क्लियर हो जाएंगे? तो आएगी लास्ट में, तो लास्ट में आएगी तो लास्ट में फास्ट चली जाएगी प्योरिटी की पावर से। उसका कारण वही होगा ना, 63 जन्म उसके क्लियर होंगे तभी ना। 63 जन्म वो पवित्र होकर के रही है, एक आत्मा के स्वभाव संस्कार और वाइब्रेशन में रही है, तो उसका परिवर्तन होने में देर लगेगी क्या? है
जब कृष्ण का जन्म होता है जेल में, उसी समय यशोदा और नंद बाबा के घर में एक कन्या का भी जन्म होता है। वो कन्या कौन है जिसको कंस पोष नहीं सका, हाथ में से छूट गई, उसको अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सका, मार नहीं सका, कौन है? काशी। काशी को कंस मारता है, लक्ष्मी, लक्ष्मी हाथ आएगी, उसने ऐसे कर्म किए हैं जो कंस के हाथ में आवे है? हाँ, ये जगदम्बा का पार्ट है, जो कमल फूल समान जीवन बिताने वाली है। कंसी जरा सिंधी बरगलाते तो हैं, लेकिन वो उनके बहकावे में इतनी नहीं आती जो अनिश्चय बुद्धि बन जाए। उनके हाथ से छूट जाती है। क्या पूछा है? मुक्त फल की कपड़ा धोई है। मुक्त फल क्या होता है? मूत पलीती कपड़ धोती का अर्थ क्या है? मनुष्य विकारी बनते हैं, सतयुग में तो देवताएं विकारी नहीं बनते, बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? सतयुग में देवताएं बच्चे पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, परंतु मूत पलीती बनते हैं। मूत की जो इंद्रियां हैं उनसे बच्चे पैदा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और इस द्वापर कलयुग के रावण राज्य में मूत पलीती बनते हैं, जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे बच्चों की पैदाइश करते हैं, तो मूत पलीती होते रहते हैं, उनके कपड़े गंदे होते रहते हैं, पतित बनते रहते हैं, ढेर की ढेर बीमारियां आती रहती हैं शरीर रूपी वस्त्रों में, तो उसको कहा जाता है मूत पलीती कपड़े। और धोता कौन है फिर उनको? कबीर दास जी ने अपने को भगवान समझ के बोल दिया, चदरिया भीनी भीनी रे, चदरिया माने कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। उस चदरिया को, उन वस्त्रों को सुर मुनि नर सबने ओढ़ ओढ़ करके मैली कर दी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो तो अपने को भगवान मानते थे इसलिए ऐसे लिख दिया। सिखों में भी इस बात का गायन है कि सदगुरु ने मूत पलीती कपड़ धोती किया, उन्होंने गुरु नानक को समझ लिया, लेकिन दुनिया में किसी के शरीर रूपी वस्त्र धुल करके देवताओं जैसे बने क्या? बने नहीं। सबके वस्त्र शरीर रूपी और ही जास्ती मूत पलीती बनते जा रहे हैं, और ही विकारों में डूबते जा रहे हैं। तो ये तो सब झूठे भगवानों की बात हो गई, मनुष्य गुरु जो भगवान बन के बैठे, असली बात किसकी है? ये कहां का गायन है? संगम युग में किसका गायन है? है शिव बाबा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस रथ का गायन है कि संग के रंग में आते हैं जो भी वस्त्र,
वो वस्त्र मैले नहीं होते हैं, कैसे हो जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। मूत पलीती कपड़ धोती का मतलब ये हुआ कि ये शिव बाबा का पार्ट है और किसी मनुष्य मात्र का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए शंकर को कहते हैं अमोघ वीर्य। कैसा? अमोघ वीर्य। और जितने मनुष्य मात्र हैं उनको, किसी को, देवताओं को या मनुष्यों को अमोघ वीर्य नहीं कहा जाता। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी समझानी दो तो मुर्दा बन पड़ते हैं। हाँ, मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो क्या हुआ, गलत बात है? है ये गलत बात है क्या या सही बात है? है ताकत नहीं है इतनी सच्चाई सुनने की? हाँ, 2012 में पृथ्वी माता का बुद्धि केंद्र के बारे में बोला गया है ना? किसने बोला? मुरली बोला। लो, मुरली में तो बोला ही नहीं, ये तो माया सभ्यता की बात है। नहीं, माया सभ्यता की जो कैसेट दुनिया वालों ने निकाली है उसमें बोला है कि 2012 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पृथ्वी लौट पौट हो जाएगी। बाबा ने तो नहीं बोला मुरली में। हैं? हैं? हाँ, मेरे बच्चे जो चंद्रवंशी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जो सूर्यवंशी बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, वो भी मेरे बच्चे हैं। जो चंद्रवंशी हैं वो आधार मूर्त जड़े हैं और जो सूर्यवंशी हैं वो बीज हैं। ज्यादा ताकत किसमें होती है? जो बीज में ज्यादा ताकत होती है वो बीज सड़ता है, अधोगति को ज्यादा जाता है, या जड़ें ज्यादा अधोगति को जाती हैं? हैं? बीज अधोगति को पहले जाता है, ज्यादा नीचे गिरते हैं। जो चंद्रवंशी हैं, राधा है, वो ज्यादा पतित बनती है या रुद्रमाला के मण के ज्यादा पतित बनते हैं? रुद्रमाला के मण के ज्यादा पतित बनते हैं। है, रेता के अंत में जो तीन आत्माएं स्वर्ग के विघटन के निमित्त बनती हैं, वो स्वर्ग तो पावन दुनिया है, सतयुग में जन्म लेके रेता में आते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य करती हैं जिससे वो इतने स्वर्ग की दुनिया को नष्ट करने के निमित्त बन जाती है? जिस दुनिया में कभी रात नहीं होती वहां से उसके बाद से रात होना शुरू हो जाती। जब संगम युग में एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, उस समय बाप के चार मुख्य बच्चे पैदा होते हैं। देवता धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज। इनमें से एक देवता धर्म का बीज है, वो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और बाकी तीन भगवान ने जिस मुकर्रर रथ में आकर के देवता धर्म का फाउंडेशन डालने का काम शुरू किया, उस रथ के बने बनाए घर को उन तीन धर्म की आत्माओं ने बिगाड़ दिया। और सबसे जास्ती बिगाड़ा सबसे छोटे ने। कौन से धर्म का? क्रिश्चियन धर्म का। उसने भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ दिया, गिरा दिया।
इसलिए भक्ति मार्ग में क्रिश्चियन धर्म के जो यादगार मंदिर बनते हैं उनका नाम गिरजाघर पड़ गया। ऐसे ही जो और दो भाई हैं, बौद्धी धर्म और इस्लाम धर्म, वो भी बहुत पावरफुल हैं, वो भी उसके सहयोगी बन जाते हैं। तो ये तीनों संगम युग में भगवान आकर के जो राजधानी स्थापना का उपक्रम शुरू करते हैं उसको बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं और अंत तक बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं, विरोधी बन के रहते हैं। तो वो आत्माएं जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में सहयोग दिया, बाद में सहयोग नहीं दिया, तो उनका कुछ न कुछ भाग्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो भाग्य तो बनता है, लेकिन तोड़ने का काम ज्यादा किया। इसलिए जो स्वर्ग की दुनिया जिन तीन आखिरी जन्मों में टूटती है उनमें जाकर के वो निमित्त बन जाते हैं। तो इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? वहाँ बाबा, वहाँ कैसे क्या करते हैं कि टूट जाता है? जैसे नारायण की राजाई जब खत्म होती है, अंतिम नारायण होता है, वो इतना लोन लेता है रामवाली सुन से कि उसकी राजाई ही चट हो जाती है और वहाँ से राम की गति शुरू हो जाती है। ये तो समझ में आया। उसी तरह अंतिम तीन सीढ़ियाँ जो कटी दिखाई गई है, कर्म ऐसे कौन से होते हैं वहाँ? क्योंकि वहाँ कर्म थोड़े ही होते हैं, वहाँ तो प्रारब्ध मिलती है, कर्म कहाँ होते हैं? संगम युग में ऐसे कर्म किए हैं जो अंतिम जन्म की टूटी हुई राजाई उनको मिलती है। बाबा, किराया का घर लेकर मधुबन खोल सकते हैं क्या? मुरली में ही बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। अभी इसी महीने में पिछली बार बाबा की मुरली में डायरेक्शन था, किराए पर भी मकान लेकर मधुबन खोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि मकान बनाया जाए या बना बनाया मकान हो तब ही खोल सकते हैं, किराए पर भी खोल सकते हैं। बना हुआ मकान तो मिल नहीं रहा है और घर बनाने के लिए बाबा ने मना कर दिया, प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, तो क्या करें? किराए पे लो और मधुबन खोल दो। खुल रहे हैं। शुरुआत नेपाल ने की, बेहद के नेपाल ने भी शुरुआत की और हद के नेपाल ने भी किराए पे मकान लेके मधुबन खोलने की शुरुआत की। तो हम नहीं खोल सकते? हम भी खोल सकते। सागर मीठा भी, सागर खारा भी, बादल मीठा जल खींचकर बरसाते हैं। तो बाबा बादल कैसे बरसाते हैं? पूछने वाला कोई बच्चा बुद्धि है पता नहीं है। माहौल में जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है, मार्च अप्रैल मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो समंदर का जल खौलने लगता है, बॉइल्ड होता है। जब बॉइल्ड वाटर होता है तो उसका पानी क्या बन के उड़ता है? भाप बन के उड़ता है, वो ही बादल कहे जाते हैं।
वो बादल उड़ते उड़ते जो भाप बने हुए हैं, जब अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराते हैं तो वो पानी बन जाता है, वो बादल फिर बरसाते हैं। तो मीठा जल बरसावेंगे या खारा जल बरसावेंगे? हैं? मीठा जल ही बरसावेंगे। जनक जो सीता का बाप था, उसकी जीवन मुक्ति एक सेकंड में हुई। कमल फूल माने कीचड़ में रहते पवित्र बनना, जनक का मिसाल है। वो ही जनक फिर अनुजनक बना, ये बेहद में पार्ट कब चलता है? त्रेता में चलता है या संगम में चलता है? है? कब चलता है? अरे जनक माने क्या है? जन्म देने वाले को जनक कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन था? अरे जन्म कौन देता है? बाप ही जन्म देता है। तो कौन था बाप? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बाप था या नहीं था? प्रजापिता वाली आत्मा बाप थी, और वो ही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है। तो अनुमाने बाद में आने वाला अनुजनक कहा जाता है। वो कमल फूल समान पवित्र जीवन था, माने कमल फूल कहाँ रहता है? तो वो बाप का पार्ट दूसरा जन्म लेकर जब यज्ञ में आता है, पार्ट बजाता है, तो कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाता है या पवित्र दुनिया में पार्ट बजाता है? कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाता है। वो जनक ही फिर अनुजनक बना, जिसके लिए गायन है एक सेकंड में है जीवन मुक्ति। कैसे है? कैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति? ये तो 70-75 साल होने जा रहे हैं। 70-75 साल कहे या एक सेकंड कहे? माना जो बाप का पार्ट है वो अपूर्ण निश्चय बुद्धि है, माना निश्चय बुद्धि अभी नहीं है, अभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि संपूर्ण नहीं है, नहीं। जैसे बाबा ने कहा पहले श्राद्ध करते थे, तो जो पवित्र ब्राह्मण होते थे उनमें आत्माएं आती थी और पूर्वजन्म की बातें भी बताती थी। अब तो ब्राह्मण तमो प्रधान बन गए, इसलिए उन आत्माओं पितरों का आना बंद हो गया। ऐसे ही
जो प्रजापिता वाली आत्मा है, जैसे सब बच्चे पार्ट बजा रहे हैं अभी, तो आदि में सतो प्रधान पार्ट बजाते हैं या आदि में तमो प्रधान पार्ट बजाते हैं? जब ज्ञान में आते हैं सतो प्रधान पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे अनेकों बातें सुन सुन करके अनेकों के संग के रंग में आने से तामसी बनती जाती है सभी आत्माएं। ऐसे ही राम बियाली आत्मा भी क्या होती जाती है? तामसी बनती जाती है। प्रूफ क्या है? प्रूफ ध्यान से देखो, 98-99 तक जो वाणियां चली उन वाणियों को ध्यान से सुनो, और अब जो वाणियां चल रही हैं उनको ध्यान से सुनो। देखो कि अच्छा क्लेरिफिकेशन और ज्यादा क्लेरिफिकेशन आदि वाली वाणियों में है या अब अंत वाली वाणियों में है? है आदि वाली वाणियों में ज्यादा क्लेरिफिकेशन है और अच्छा क्लेरिफिकेशन है। मुरली में भी बोला है, ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होता जाता है। लेकिन दुनिया जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है तो क्रिश्चियंस के प्रभाव में आती जाती है या देवताओं के प्रभाव में आती जाती है? क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आती जाती है। इसका प्रूफ है, दुनिया के लोगों को पॉम्प एंड शो अच्छा लगता है। 98-99 तक छोटे से टैप रिकॉर्डर में वाणी भरी जाती थी, और अब है, अब VCD और DVD में भरी जाती है। लेकिन सुनने वाले आदि की वाणियां सुनते हैं या अब पंप एंड शो वाली वाणियां सुनते हैं? है आज की जो पंप एंड शो वाली वाणियां हैं वो ही सब सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आदि की सतो प्रधान जो कैसेट में भरी हुई वाणी है वो कोई नहीं सुनता हुआ देखा जाता है। तो ज्ञान सतो प्रधान की ओर जा रहा है या तमो प्रधानता की ओर जा रहा है? है तमो प्रधानता की ओर जा रहा है। और रामबाली आत्मा भी सतो प्रधानता की ओर जा रही है या तमो प्रधानता की ओर जा रही है? पहले शुरू शुरू में जो वाणियां चलती थी वो रोज का रोज ढेर का ढेर क्लेरिफिकेशन अच्छा अच्छा निकलता था, और आज वाणी की रीडिंग हुई है या क्लेरिफिकेशन चला है तो क्या साबित हुआ? आदि में ज्ञान में सतो प्रधानता थी या अब सतो प्रधानता है? आदि में सतो प्रधानता थी। जो भी शूटिंग में आने वाली आत्माएं हैं, बल नई नई आत्माएं, नए नए पत्ते आते हैं तो शोभनीक लगते हैं क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। बाद में वो भी जल्दी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो क्या रिजल्ट निकला कि राम वाली आत्मा भी नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? भले याद का पुरुषार्थ तीखा चल रहा है, याद का अभ्यास बढ़ रहा है या घट रहा है? याद का अभ्यास तो बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान सात्विक होता जाता है या तामसी होता जाता है? तामसी होता जाता है। तामसी होते 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 अंत तक ये स्टेज आ जाएगी
कि ज्ञान की ऐसी बाढ़ आएगी, बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी मिल जाती है या नहीं है? इतनी बड़ी बाढ़ आएगी कि उसे मिट्टी मिले ज्ञान जल में, सब अंधे हो जाएंगे। माया फाइनल पेपर में सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। राम वाली आत्मा आदि में फेल हुई थी, हुई थी नहीं है, हुई थी। और अंत में आदि सो अंत होगी या नहीं होगी? अरे अरे, आदि में फेल हुई थी तो अंत में नहीं होगी? एक आदमी बोल रहा होगी, आदि सो अंत, अंत में भी फेल होगी, फिर उठाएगा कौन है? कौन सी मूर्ति के रूप में? शिव की तो तीन मूर्तियां हैं, तो कौन सी मूर्ति के रूप में उठाएगी? वैष्णवी देवी ये शिव की तीसरी मूर्ति है। ये तीसरी मूर्ति आती है और राम वाली आत्मा जनक की भी अनुजनक की भी एक सेकंड में क्या हो जाएगी? जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो अनुजनक कौन हुआ जिसकी एक सेकंड में जीवन मुक्ति हुई? जो कीचड़ में कमल फूल समान पार्ट बजाने वाली आत्मा थी, त्रेता की थी या संगम की थी? संगम की थी। पक्का निश्चय बुद्धि के आधार पर अर्जुन किसको मतलब कहा जाता सब जाए? ओटे सो अर्जुन, जो पुरुषार्थ करे सो अर्जुन। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाने वाला। कमाई करेगा तो अर्जुन बनेगा, कमाई नहीं करेगा बैठा रहेगा तो अर्जुन बनेगा नहीं बनेगा। बाबा जब ब्राह्मण है, नंबर कैसे बनेंगे? नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर नंबर बनेंगे का मतलब माया किसी को नहीं छोड़ती है, छोड़ती है। मुरली में क्या बोला, माया किसी को छोड़ती है या किसी को नहीं छोड़ती है? है, माया किसी को नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत बनाए दिए, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई, मार नहीं पाई। जब तक मरने पर आया तब तक शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। तो माया किसी को छोड़ेगी नहीं, इसका रहस्य क्या है? यही रहस्य है कि नंबर बनने हैं। 500 करोड़ की जो माला है उसमें नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? 9 लाख की माला है उसमें नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? रुद्र की रचते हैं, लाख दो लाख बनाते हैं, उसमें नंबर होंगे या नहीं होंगे? 16,000 के नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? ब्रह्मा की 1,000 भुजाओं के नंबर बनेंगे या सब एक साथ आ जाएंगे? 108 के भी नंबर बनेंगे, 8 के भी नंबर बनेंगे, कैसे बनेंगे? सब एक बार को टूट जाएंगे, फिर जो आते जाएंगे उनके नंबर बनते जाएंगे। कोई जरूरी नहीं, जब आए तब आए। बाबा मुझे कहा कि सब आत्मा एक है, एक आत्मा एक है। अंत में ऐसा होगा, आदि में भी ऐसे हुआ, एक आत्मा एक तरफ और सारा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ हो गया था।
आदि भी ऐसे ही होगा लेकिन नीचे में रहती है कभी तो सब एक तरह एक नीचे में आती। कुछ तो असर पड़ता है। अरे अभी इतने बैठे हैं और बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए सब उखड़ जाए तो असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा है? असर तो पड़ेगा है? वो हमेशा प्रवेश है या कभी क्षिप्र गति से प्रवेश है? वाणिया देखो 99 की एडवांस पार्टी की आदि की वाणिया देखो और अब की वाणिया देखो। एडवांस का जो क्लेरिफिकेशन है वो आदि वाली वाणियों में ज्यादा है या अब ज्यादा है? हैं? अव्यक्त वाणी की बात नहीं कर रहे, क्लेरिफिकेशन टीचर के पार्ट की बात कर रहे। आदि वाली वाणियों में हर एक वाणी में क्लेरिफिकेशन लंबा लंबा, एक एक मुरली सात सात आठ आठ दिन चली, तीन पेज की मुरली। और आज आज क्या हुआ है? आज चार पेज एक साथ चल गई, फिर भी दो पेज बच गई। ब्रह्मा बाबा भी जो वाणी चली थी वो अंत में पांच पांच छह छह सात सात पेज की वाणी एक बार में चलाते थे। उसमें से खास खास बातें छांट करके वो अमाउंट ऑफ मुरली बनाई जाती थी तीन पेज की। ओम शांति। सबसे बड़ा पाप है दुख देना। दुख देने को ही पाप कहा जाता है। बाबा ने सबसे बड़ा पाप क्या बताया मुरली में? है क्रोध बड़ा पाप है, लोभ बड़ा पाप है, अहंकार बड़ा पाप है, कौन सा बड़ा पाप है? है काम कटारी चलाना बड़ा पाप है। ये कब से आता है? कौन सी आत्मा आती है जो बड़ा पाप शुरू कर देती है? है इब्राहिम आता है, उसके आने मात्र से ही व्यभिचारी दुनिया शुरू हो जाती है। ये बड़े पाप की शुरुआत हो गई। और भगवान को सर्वव्यापी कहना ये भी बड़ा पाप तब कहा जाता है। पाप माने दुख देना। असल में जो भगवान है वो कभी पाप अर्थात दुख फील करता है? किसी को दुख देना पाप है, लेकिन जिसको दुख दिया वो दुखी हुआ ही नहीं। दुख देने वाले ने तो दिया लेकिन लेने वाले ने लिया ही नहीं।
तो पाप हुआ है? देने वाला और लेने वाला दोनों अपना काम करेंगे तब ही पाप बनेगा, या एक तरफा पाप बन जाएगा? दोनों तरफ से होगा। तो शिव आत्मा के लिए पाप और पुण्य की बात नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए पाप और पुण्य की बात है। इब्राहिम की आत्मा भी आती है, विचार शुरू करती है, तो जब विचार शुरू होता है तो पहले पहले कौन डिगता है? इब्राहिम सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? है सतो प्रधान है, सात्विक आत्मा है, वो पाप करेगी? है करेगी नहीं करेगी? हाँ, इब्राहिम सात्विक आत्मा जब आती है तो जिसमें आती है उसकी बुद्धि को डिगाई देती है। वहां से व्यभिचार शुरू हुआ, काम विकार का। स्त्री अथवा पुरुष आपस में ही एक दूसरे में आसक्त होकर रहते हैं और किसी में आसक्त नहीं होते, तो वो एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं क्या? बनते हैं? अरे राधा कृष्ण में ही आसक्त होती है, कृष्ण की आंख राधा में ही डूबती है और किसी में नहीं डूबती, तो दुख के निमित्त बनते हैं क्या? है बनते हैं? नहीं बनते। ऐसे ही जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया बनती है सुख दुख लेने की, तो स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्त होते हैं आपस में और किसी में आसक्त नहीं होते, तो उसे व्यभिचार कहेंगे? अरे नहीं कहेंगे, काम विकार कहेंगे, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियां होने से देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से काम विकार पैदा होता है, परंतु व्यभिचार नहीं है। लेकिन इब्राहिम आकर क्या करता है? दृष्टि का व्यभिचार पैदा करता है, भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार पैदा करता है या नहीं करता है? देवताओं की वृत्ति होती है, आपस में एक दूसरे से आकर्षित होना। लेकिन जो इब्राहिम इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं उनमें धर्म के अंदर ये बात वाजिब है
कि पुरुष अथवा स्त्री अनेकों के साथ आसक्त हो सकता है। पुरुष ज्यादा ज्यादा शादियां भी कर सकता है, तो देवता धर्म को व्यभिचारी कहेंगे या इस्लाम धर्म को व्यभिचारी कहेंगे? अब जब पुरुष को पता चलता है कि स्त्री दूसरे पर आसक्त हो गई, अथवा स्त्री को पता चलता है कि पुरुष दूसरे पर आसक्त हो गया, तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? है? दुखी हो जाते हैं। यहीं से दुख की दुनिया शुरू हो जाती है, व्यभिचार से दुख होता है। जब तक दुनिया अव्यभिचारी रहती है तो सुखी रहती है। और बाबा संगम युग में भगवान हमारे साथ है, तो हमें किसी से भय होना चाहिए या कोई भी घटना से भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चय बुद्धि है कि हमारे साथ है तो क्यों भय होगा? अनिश्चय बुद्धि बंदे हैं बीच बीच में, पता नहीं इस समय भगवान है कि शैतान है, है भी या नहीं है, तो क्या रिजल्ट होगा? भय पैदा होगा। और है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने से। ये दुनिया गई कि गई, इन आंखों से जो भी देखते हैं वो आज देखते हैं और कल कल भस्म हो जाएगा। ये बात बुद्धि में बार बार आने से क्या होगा? बुद्धि एकाग्र होगी या नहीं होगी? दुनिया से वैराग आएगा या नहीं आएगा? दुनिया से वैराग आएगा। उस गीता में भी यही बात कही है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, एकाग्र कैसे हो? तो उत्तर दिया गया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार स्मृति का अभ्यास करो। एक ही स्मृति है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बार बार उस ज्योति बिंदु से बुद्धि बाहर जाएगी, घड़ी घड़ी भटकेगी, लेकिन हम क्या करें? बार बार खींचकर आत्मिक स्मृति में लाएं, ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास अमृत वेले पक्का करना है। अमृत वेला फाउंडेशन काल है सारे दिन का। अगर फाउंडेशन कच्चा रह जाता है तो सारे दिन का पुरुषार्थ कच्चा रह जाएगा, आत्मिक स्थिति बनेगी ही नहीं। पहली बात है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और दूसरी बात ये दुनिया गई कि गई। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ अभी देखते हैं। ये दुनिया स्वप्न मात्र हो जाएगी। ऐसा विचार बार बार लाना है, तो बुद्धि एकाग्र होगी।
समय को शिक्षक नहीं बनाना है, समय को शिक्षक नहीं बनाना है, समय जड़ है, जो जड़त्वमयी है उसको हम शिक्षक बनाए, या जो चैतन्य है उसको शिक्षक बनाए। आत्मा है चैतन्य और आत्माओं के बीच में भी परमात्मा चैतन्य है और परमात्मा से भी परम पिता चैतन्य है। अगर समय ही सब कुछ अपने आप करता है तो हम क्यों करें? जब टाइम होगा तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। किचन में तो बड़े आराम से चले जाते हैं, ये नहीं सोचते जब समय आएगा तो किचन में जाएंगे लड्डू पेड़ा खाएंगे। सोचते हैं कोई है कि समय आएगा तब खाना खा लेंगे? खाने की बात नहीं है। परिवर्तन जो हो रहा है वो जो परिवर्तन हो रहा है वो आत्माओं के द्वारा परिवर्तन होता है। चैतन्य परिवर्तन करने वाला है, जड़ नहीं परिवर्तन करता है। जड़ प्रकृति को मनुष्य आत्माएं अपने योग बल से परिवर्तित करेंगी। वो तो अपने आप होती है, बाबा खुद को शक्ति दे रहा है इसलिए हो रही है। प्रकृति अपने आप परिवर्तन होती है। प्रकृति अपने आप सत्व प्रधान हो जाती है। संकल्प से वाइब्रेशन होती है ना? संकल्प करने की युक्ति कौन बताता है? तो फिर कौन निमित्त हुआ? ऐसे बाबा बोलते हैं कि ड्रामा में नूद है इसलिए मैं आता हूँ। ड्रामा में नूद है वो तो पास्ट की बात है, लेकिन ड्रामे में जो भी 84 जन्म का पार्ट नूद है वो हमें पता है? पता है तो कैसे पता करेंगे? पता करना वो तो एक अभ्यास है। तो करो अभ्यास। अच्छा अभ्यास करोगे, अच्छे संकल्प करोगे तो अच्छी दुनिया बनेगी। भगवान के बताए हुए रास्ते के विपरीत संकल्प करेंगे तो हमारी जन्म जन्मांतर की दुनिया खराब बनेगी। अपनी दुनिया बनाने वाले हम हैं, रास्ता बताने वाला बाप है। समय कुछ नहीं करता अपने आप। हैं? 84 जन्म फिक्स हैं। फिक्स होते हुए भी हमें पता नहीं है क्या फिक्स है। खाना खाना फिक्स है या नहीं? अरे आपका रोज खाना खाना फिक्स है या नहीं? फिक्स है तो बैठे रहो आराम से कुर्सी के ऊपर, क्यों चले जाते हो दौड़ के? संकल्प चलेगा ना, वो संकल्प चलाना, अच्छा संकल्प चलाना और बुरा संकल्प चलाना ये कौन सिखाता है? फिर बाबा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। और सीखने वाले चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। वो संकल्पों का फाउंडेशन डालेंगे, संकल्पों का बीज डालेंगे तभी तो दुनिया बनेगी। दुनिया कैसे बनेगी और कब बनती है? संगम युग पर बनती है। और हम ही अपनी दुनिया बनाने वाले हैं। भगवान किसी की दुनिया नहीं बनाता, बताता है कि बनी बनाई है, फिर भी जो बनी बनाई है उस 84 जन्मों को इमर्ज हम करें या नहीं करें?
84 जन्मों की दुनिया को हम अपने सामने इमर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ओम शांति।